हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये सोनी की 22 इंच की एलईडी टीवी, जो कि स्टैंड बाई इसकी ओके है, यानी सेट हमारी चालू है, लेकिन बैकलाइट जो है वो हमारी नहीं जल रही है। और बैकलाइट नहीं जलने की वजह से ये जो हमारा इमेज है वो नहीं आ रहा है। यहाँ देख सकते हो कि ये हमारी कोई बैकलाइट नहीं जल रही है। तो दोस्तों, आज का इस टॉपिक में हम लोग देख लें कि आखिर ये जो बैकलाइट नहीं जल रही है तो ये बैकलाइट कैसे जलेगी और इस बैकलाइट में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये पावर सप्लाई विथ ड्राइवर, ये ड्राइवर की हमारी ये ड्राइव आईसी है, ये ड्राइव आईसी लंबी आपको दिख रहा होगा, ये 16 पिन की, और इसकी एक मॉस्फेट होगी जो कि हमारी पीसीबी की नीचे लगी हुई रहेगी। तो पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारी सप्लाई, जो हमारी सप्लाई है वो आ रही है कि नहीं। तो पहले हमको देखने के लिए हमारी ये जो बूस्टअप डायोड है, इस डायोड पर हमको देखना है कि कितनी आ रही है। तो ये लगभग 18 वोल्ट की सप्लाई है, यानी ये ड्राइवर हमारी 18 वोल्ट से रन होती है, यानी ये जो 18 वोल्ट ही आ रहा है, यानी बूस्टअप नहीं हो रहा है, और ये सप्लाई हमारा इन हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो है बैकलाइट नहीं जली होती है। बैकलाइट या तो हमारी कटी भी हो सकती है और या हमारा ड्राइवर सेक्शन भी ख़राब हो सकता है। इस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि हमारी बूस्टअप हो रही है कि नहीं। कोई भी अगर ड्राइवर बोर्ड, कोई भी कंपनी वाली अगर बूस्टअप कर रही होगी तो हम लोग बंद करके जैसे लाइन यहाँ देते हैं तो ये हमारी इनपुट से ज़्यादा वोल्ट शो करती है और ये प्रोटेक्शन में चली जाती है, यानी हमारी इनपुट वाली सप्लाई में रह जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि ये हमारी बूस्टअप हो रही है। तब हम लोग क्या करते हैं, बैकलाइट को टेस्ट करते हैं कि कहीं बैकलाइट हमारी कोई एलईडी कटी हुई है कि नहीं। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए कोशिश करेंगे और सीखेंगे। जो नए हैं, अभी हमारे चैनल पे आए हैं, उस ये उनके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगा। और दोस्तों, एक मैसेज है, ये मैसेज आप लोग के लिए ही है। बहुत सारे लोग का कहना है कि सर हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है, जो कि पिछली बार हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे कुछ कारण के वजह से, तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग एक तरह से बंद ही कर दिए थे, फिर भी लेकिन आपको फोर्स करने के वजह से, आप लोग को बहुत डिमांड के वजह से बहुत सारे हमको बोल रहे हैं कि सर हम वेटिंग में हैं, उनकी वजह से हम फिर से दोबारा जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 5/8/2020 से लेकर 9/8/2020 तक। अगर जिसको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है वो ही आदमी इस पर फ़ोन करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं इंतज़ार करूंगा कि 5 तारीख तो अभी बहुत लेट है, चलो हम 4 तारीख को बुक करेंगे या 3 तारीख को बुक करेंगे, तो ये भी हमारी लिमिटेड ही सीट होगी। फिर बाद में आपको बोलूंगा कि सीट खाली नहीं है, फिर आप हमको बोलोगे कि सर हमने तो फ़ोन किया था। इसलिए जिसको ट्रेनिंग करना है वो पहले सीट बुक करा ले, अपना सीट बुक कराकर कंफर्म हो जाए। जिसको नहीं करना है उसको फोर्स नहीं किया जा रहा है। हम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रूल रूल, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, सबका एक एक जैसा ही मैं डिसिप्लिन लेकर चलता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग की इच्छा है तभी आप फोन करके आप सीट बुक कराएं। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं लेना है, ऑफलाइन लेना है, तो ऑफलाइन के लिए जब हमारी सरकार अनुमति देगी तो ये ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट होगा। अब हम लोग अपनी समस्या पे चले जाए और ये प्रॉब्लम पे हम लोग चले जाए और स्टेप बाय स्टेप देख लें। पहले इसको हमको ये खोलने के लिए ये इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारी जो स्क्रूप है ये हटाकर इसकी हमारी बैक पोजीशन पे जानी पड़ेगी, यानी पीछे वाली प्रिंट पोजीशन पर। तो दोस्तों, ये हमने पीसीबी को उलट लिया, यानी हमारी बैक पोजीशन पे लेके आया, फ्रंट से बैक पर। तो बैक में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी जो है ड्राइवर यूनिट है, यानी ड्राइवर सेक्शन। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग में जिनको करने के लिए दिया हूँ वो बिल्कुल नए हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे।
और ये आपको एक दिख रहा होगा कि आईसी की तरह ये हमारी 8 पिन की मॉस्फेट है। तो ये मॉस्फेट जो है ये अधिकतर हमारी खराब हो जाती है, यानी ये ट्रिगरिंग करना बंद कर देती है, यानी स्विच करना बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है इसकी सप्लाई हमारी इस डायोड पर इनपुट आ रहा था और बूस्ट अप होने के बाद ही हमारा जो है बैकलाइट यूनिट जो है वो जलती है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इस मॉस्फेट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि ये मॉस्फेट हमारी खराब है कि अच्छी है। हालांकि ये अगर शॉर्ट रहती तो ये हमारी पूरी सप्लाई जो है वो ड्रॉप हो जाती, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। इस मॉडल में, ये हमारी सोनी की एलईडी मॉडल में, ये अधिकतर 8 पिन की मॉस्फेट जो है अधिकतर ओपन हो जाती है, यानी ट्रिगर करना बंद कर देती है, यानी हमारी लोड लेना ये बंद कर देती है। तो हम लोग एक बार इसको ओपन करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट को चेक करने के लिए पहले निकालना ज़रूरी होता है, तभी आपको ये 100% रिजल्ट मिलती है। तो हम लोग बुलवर जल्दी से ऑन कर लें, ऑन करके इसको रिमूव करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो मॉस्फेट है हमने इसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करके जब इसको हमने मापा तो देख रहा है कि ये ट्रिगरिंग नहीं कर रहा है, यानी ये जो रेंज दिखाई देना चाहिए ये नहीं दिखाई दे रहा। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, एक एन चैनल की मॉस्फेट हमको यहाँ पर लगाना होगा। लेकिन 8 पिन की ये जो मॉस्फेट है हमारी, अभी 8 पिन की मॉस्फेट उपलब्ध नहीं है किसी कारण से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वो 3 पिन वाली एक मॉस्फेट को यूज करेंगे, और ये मॉस्फेट यूज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो वर्क कर रही है कि नहीं। तो हम एक 3 पिन वाली मॉस्फेट ले लिया हूँ, और ये जो मॉस्फेट मैं लिया हूँ ये बहुत फेमस मॉस्फेट है, जो सीआरटी वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं। ये है 6N60, जो कि हमारी सीआरटी टीवी में भी लगती थी, अधिकतर हमारी फिलिप्स पावर विजन में ये यूज होती थी। ये फिलिप्स जो है 6N60 आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि गेट, ड्रेन और सोर्स, और इसकी गेट, ड्रेन और सोर्स तीनों हम लोग क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारी वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि 8 पिन की मॉस्फेट हमारे पास नहीं है। यहाँ पर सप्लाई हमारी आ रही है दोस्तों, एक बार आपको ध्यान दें कि यहाँ पर मैं ये मॉस्फेट निकालने के बाद भी हम यहाँ पर इनपुट आपको दिखा दूँ, इनपुट इसकी कितने हैं, इनपुट इसकी 18 वोल्ट हैं। यहां से ऑन करो, ओ सॉरी, यहाँ दोस्तों ये मैंने इसका इंडिकेटर लाइट नहीं लगाया था ताकि आपको समझ में ना आए, तो अभी हमने इसको लगा दिया हूँ। अब हम लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद हम यहाँ पर इनपुट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 17.9, ये हमारी मीटर पर, और ये हमारी इनपुट 18 वोल्ट की है, और हमारी यहाँ पर एक बीएल ऑन भी है जो कि वो 3.3 से लेकर 5 वोल्ट के करीब में आनी चाहिए, तो वो भी आ रहा है कि नहीं हम एक बार देख लें। तो देखिए दोस्तों, ये 3.2 वोल्ट बीएल भी हमारी सप्लाई आ रही है, फिर भी हमारा ये डाइवर सेक्शन जो है वो ओके नहीं है। बहुत सारे क्या करते हैं कि ओरिजिनल ड्राइवर को ही हटाकर इन्वर्टर ड्राइवर डालते हैं, मैं बोलूँगा कोशिश आप लोग ओरिजिनल करो, उसके बाद नहीं होने से आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप कोशिश करोगे तो ओरिजिनल ही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी 8 पिन की है, और ये 8 पिन में हमको 3 पिन की मॉस्फेट इसमें डालना है। तो ये हमारी क्या हो गया, ड्रेन, ये जो हमारी है ये ड्रेन, ये हमारी गेट, और जो ग्राउंड से है वो हमारी सोर्स, यानी एन चैनल की मॉस्फेट हमको लगाना है। अब हम यहाँ पर बंद कर दिए, बंद करने के बाद ये जो 6N60 है उसको हमको लगाकर चेक करना है कि ये ड्राइवर हमारा ओके हो रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमारी सोर्स, ये पूरी हमारी
डिटेल्स ट्रेनिंग में दी जाती है, ए टू जेड पैनल से लेकर स्मार्ट बोर्ड, 4K, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ड्राइवर। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या ऑफलाइन, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ऑफलाइन की तर्ज पे ही चलती है। ये आप लोग की डिमांड के वजह से मैं ये ऑनलाइन ट्रेनिंग फिर एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बैच स्टार्ट होने के बाद फिर अगला बैच कब होगा ये हमको भी मालूम नहीं, क्योंकि ये लगभग 2-3 महीने के बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि पहला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किया था उसमें हमने 3 बैच स्टार्ट किया था, 3 हमारा बैच चली थी और ये हमारी 4थी बैच होगी। अगर आप लोग जल्दी से सीट बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन के लिए, जो लोग ऑनलाइन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमसे बोले थे, उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपना अपना सीट बुक करा लें, क्योंकि डेट ये हमारी फिक्स हो गई है। अब मैं ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारी बैकलाइट ऑन होगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये जल रही है हमारी, यहाँ दिखाइए आप, यहाँ पर देखिए ये हमारी बैकलाइट ऑन हो गई दोस्तों। ये हमने 3 पिन की मॉस्फेट लगाया 6N60, जो कि ये 8 पिन के था, और ये जो 6N60 है ये बहुत काफ़ी फेमस मॉस्फेट है, जो कि आपकी हर दुकान पे अवेलेबल होगी, आपकी अगल बगल देख ले कि ये डिस्प्ले आई हुई है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमारी डिस्प्ले भी दिख रही होगी आपको कि ये हमारा सेट ओके दोस्तों, यहाँ पर देख सकता है आपको डिस्प्ले, दिखाइए उनको, ये देखिए सोनी लिखा हुआ आया, और ये काफ़ी कूल है, यानी ये बिल्कुल ठंडी है। आप लोग सोचते होंगे कि ये कुछ देर में जल जाएगी, तो नहीं, ये बिल्कुल मतलब पानी की तरह, बर्फ की तरह ठंडी है। और ये हमारी 8 पिन की जो मॉस्फेट थी उसकी बदले में ये हमने 3 पिन की मॉस्फेट लगाया। ऐसे ही आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसकी एम्पियर आपको चेक करनी होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है तुरंत इस नंबर पे बुक करके अपना सीट बुक करा ले, ताकि फिर आप आगे चलकर आप ये ना बोल सके कि सर हमने फ़ोन किया था हमको ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि ये सीट बुक हो जाएगी, लिमिटेड हमारा स्टूडेंट हो जाएंगे तो ये बुकिंग भी बंद हो जाएगी। ओके, बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए।